गुलबर्गा शहर में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक को देख वार्ड नंबर 27 के कॉरपोरेटर साजिद कल्याणी और वार्ड नंबर 24 के कॉरपोरेटर आलमदार जैदी ने मेमोरेंडम के जरिए कॉरपोरेशन कमिश्नर, मेयर और हेल्थ ऑफिसर को वार्न कर इमीडिएट आवारा कुत्तों को हटाने का मुतालिबा किया है। कॉरपोरेटर साजिद कल्याणी और आलमदार जैदी ने मीडिया से बात कर कहा, वार्ड नंबर 27 एमएसके मिल और वार्ड नंबर 24 मोमिनपुरा इलाके में आवारा कुत्तों का झुंड स्कूल जाने वाले मासूम बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों को काफी ज्यादा परेशान कर रहा है। पिछले कई सालों से गुलबर्गा शहर आवारा कुत्तों से परेशान है। कॉरपोरेशन बॉडी डिसॉल्व होने का बहाना बताकर अब तक आवारा कुत्तों पर रोक नहीं लगाई गई, लेकिन अब कॉरपोरेशन में तमाम कॉरपोरेटर भी मौजूद हैं और मेयर भी बन गया है। इसके बावजूद अब तक आवारा कुत्तों के झुंड का खात्मा नहीं हुआ। कॉरपोरेटर साजिद कल्याणी और आलमदार जैदी ने कॉरपोरेशन कमिश्नर और मेयर को 7 दिन की मोहलत दी है। अगर 7 दिनों में आवारा कुत्तों पर रोक नहीं लगाई गई तो तमाम आवारा कुत्तों को कमिश्नर और मेयर के चैम्बर में लाकर छोड़ दिया जाएगा। This video presented by Peace Islamic International School Branch Hagraga Road and Misbah Nagar Gulbarga. Students getting education for both the worlds. Best academic English education. Diploma in Arabic. 2023 admission started. Contact and visit school for more details. आज यहाँ पे सिटी कॉर्पोरेशन कमिश्नर के पास हम हमारा लेटर पैड दे के एक रिक्वेस्ट किए हैं कि तो जो स्ट्रीट डॉग्स है जो एरिया में 20-20, 25-25 जो स्ट्रीट डॉग्स जहाँ जहाँ जगह जगह पे डर रहते हैं, बच्चों को आने जाने के लिए दिक्कत हो रही है, लोगों के लिए भी परेशानी हो रही है। आए दिन कॉल आ रहे हैं हमारे को वार्ड से कि साजिद भाई ऐसा इतने यहाँ कुत्ते हैं, यहाँ ऐसा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है, नमाज के लिए जाने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, स्कूल को जाने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। बल्कि बताने हम पिछली बार लास्ट टाइम मेयर साहब मीटिंग लेने के टाइम पे भी हम बताए थे मेयर साहब को कि डॉग्स का बहुत बड़ा इशू है, बहुत प्रॉब्लम है बोल के। आज यहाँ पे हम एक रिक्वेस्ट भी करे हैं, एक वार्निंग भी दिए हैं कमिश्नर साहब को भी दिए हैं और एक मेयर साहब को भी हाथ में दिए हैं और हेल्थ ऑफिसर को भी दिए हैं कि 7 दिन में 1 वीक में अगर स्ट्रीट डॉग्स नहीं निकालेंगे हमारे वार्ड से तो फिर हम लेकर के हम कमिश्नर चैम्बर में हम डॉग्स छोड़ेंगे बोल के हम ये बोलना चाहते हैं। एक हमारे हल्बत रिक्वेस्ट है क्योंकि इंसिडेंट होने से पहले कुछ काम करे तो बेहतर रहता, फिर इंसिडेंट होने के बाद में कुछ काम करे तो कोई मतलब नहीं रहता। हम स्ट्रिक्टली आज वार्निंग दिए हैं कमिश्नर साहब को, मेयर साहब को और हेल्थ ऑफिसर साहब को कि स्ट्रीट डॉग्स निकालना ज़रूरी है। आज कॉरपोरेशन कमिश्नर साहब को और सिटी कॉरपोरेशन गुलबर्गा महानगर पालिका के मेयर साहब को, हेल्थ ऑफिसर को, तमाम लोगों को लेटर पैड दिया गया। एक मैं समझता हूँ कि 3 या 4 साल से बॉडी 2 साल नहीं थी, 3 साल नहीं थी, जब से आज तक भी हम स्ट्रे डॉग्स के लिए फॉलो कर रहे हैं। हमारे एरिया में खासकर मोमिनपुरा एमएसके मिल ये एरियो में हमारे बच्चे फजर की नमाज के बाद अरबी क्लासेस को जाते हैं, उर्दू क्लासेस को जाते हैं। वैसे टाइम पे ये बारिश के दिनों में ये स्ट्रे डॉग्स बच्चों को काट रहे हैं। पिछले मैं कई सालों से इसको फॉलो करते आ रहा हूँ कि जब 4 साल से स्ट्रे डॉग्स के लिए पकड़ने कैच करने के लिए उसको टेंडर नहीं कॉल कर टेंडर ये लोग टेंडर कॉल करते हैं लेकिन वहाँ पर कुछ तो भी एक प्रॉब्लम आती फिर वो मिस हो जाता है। तो हम फिर से आज कमिश्नर साहब को एक मेमोरेंडम दिए हैं, एक लेटर पैड पे एक मांग कर रहे हैं कि 7 दिन में मोमिनपुरा और एम एस किमिल से कुत्तों को निकाला जाए, निकाल कर उनको कहाँ पर भी छोड़ो, हमारे को उससे लेना देना नहीं है क्योंकि ये मामला इतना डेंजर हो रहा है। हमारे बच्चों को कुत्ते दिन ब दिन काट रहे हैं, बकरियों को काट रहे हैं, बड़े लोगों कुत्तों को देखकर बड़े लोगों को जाने को परेशानी हो रही, वो लोग भी डर रहे हैं। तो मैं कमिश्नर साहब से, मेयर साहब से, हेल्थ ऑफिसर साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी टेंडर कॉल करिए, वो स्ट्रे डॉग्स जो रोडों पर लोगों को परेशान कर रहे हैं उनको सिटी से बाहर करने का हम बात करें हैं, वरना आने वाले दिनों में सिटी कॉरपोरेशन के हर चैम्बर में कुत्तों को लाकर इधर छोड़ा जाएगा। हम ये खुले अल्फाज में हम जिसको भी लेटर दिए हैं उनको बोले हैं कि हम यहाँ पर लाकर छोड़ेंगे। तो मैं गुलबर्गा एडमिनिस्ट्रेशन कॉरपोरेशन से गुजारिश करता हूँ कि ये स्ट्रे डॉग्स को इमीडिएट यहाँ से सिटी से बाहर करें। This video presented by Peace Islamic International School Branch Hagraga Road and Misbah Nagar Gulbarga. Students getting education for both the worlds. Best academic English education. Diploma in Arabic. 2023 admission started. Contact and visit school for more details.